अखिल भारतीय युवक क्षत्रिय महासभा ने पुलिस महानिरीक्षक के नाम दिया ज्ञापन। विगत दिनों ग्वालियर में राजपूत छात्रावास के कुछ छात्रों के ऊपर की एक पक्षीय कार्यवाही के विरोध में अखिल भारतीय महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री कुल सौरभ सिंह सिकरवार के नेतृत्व में आज पुलिस महानिरीक्षक भोपाल के नाम के अलारस थाना TI को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग की SIT का गठन कर दोनों पक्षों की पुनः जांच कर कार्यवाही की जावे एवं छात्रों के भविष्य का ध्यान रखते हुए धाराओं को कम किया जाए एवं शेरू भाई मंधाट के द्वारा क्षत्रिय समाज को जो अपशब्द कहे गए हैं गाली गलौज की गई है उसके लिए सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोपी मानते हुए उचित कार्यवाही की जाए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से महेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह, संदीप सिंह, कुलदीप सिंह, रामनिवास सिंह, राघवेंद्र सिंह, अतुल सिंह, करण सिंह, बेटू जादौन उपस्थित रहे। संवाददाता मुरैना से मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। अच्छी कार्रवाई न करते हुए दोनों पक्षों की जांच की जाए, SIT गठन किया जाए और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके ऊपर उनको ध्यान रखते हुए जो धाराएं लगाएंगे उनको कम किया जाए। धन्यवाद। ये आपने थाने में आवेदन दिया है कैलारस में, किस संबंध में आवेदन दिया है? विगत दिनों राजपूत छात्रावास के कुछ छात्रों के ऊपर एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए थाना इंद्रगंज में कुछ धाराएं पंजीबद्ध की गई हैं, जैसे कि SC ST एक्ट, डकैती का एक्ट, जो कि निराधार और एक पक्षी दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि बताया गया है कि आठ छात्रों ने 800 लोगों को मारा है, तो मुझे थोड़ा सा ये बताने छात्रों के द्वारा मारपीट की गई है, तो सर उसमें जो असल मामला यह है कि रात के 12 बजे तक जो DA चल रहा था, हम लोग चाहते हैं कि सामने वाले पक्ष की जांच की जाए और जो आठ लड़कों ने 500 लोगों को मारा है सर, तो उसकी एक पक्षी जांच न करते दोनों पक्ष जांच करके पर कार्रवाई की। और जो दूसरा जो अपने झूठे प्रकरण की जांच करो।